हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रेलवे लाइफ विथ बनारसी बाबू पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रेलवे में आने के बाद और नौकरी होने के बाद कैसा महसूस हो रहा है और कैसा लग रहा है। पहले घर पे क्या था कि बेरोज़गारी था, पैसा जेब में नहीं था और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हम लोग एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि अक्सर ही पैसों का शॉर्टेज रहता था, पढ़ाई में भी पैसों की कमी पड़ जाती थी, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होता था दोस्तों। लेकिन अब क्या है कि नौकरी होने के बाद ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए पैसा तो जेब में आ रहा है, वो ठीक है, लेकिन लग रहा है कि गांव घर छूट गया और कौन से जगह हम लोग आ गए हैं। फिर भी ठीक है दोस्तों, जो भी हो रहा है ठीक है। पैसा कमाने के लिए दोस्तों घर तो छोड़ना ही पड़ता है, अगर कहीं आप सरकारी नौकरी में हैं तो घर जाना तो मुश्किल है, जैसे घर के पास रहना सरकारी नौकरी करना तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये है कि गांव घर में जाने के बाद थोड़ा सम्मान मिलता है, मान सम्मान अच्छा होता है गांव घर के लोगों द्वारा। और दोस्त लोग बोलते हैं कि भाई भूल गए हो, फ़ोन ऑन नहीं करते हो। हम बोलते हैं भाई इधर रेलवे में आने के बाद क्या है कि ड्यूटी करना है, टाइम नहीं मिल पाता है, और हम क्या है कि ड्यूटी टाइम में मोबाइल यूज करना अच्छा हमको नहीं लगता है, क्योंकि जब सरकार आपको पैसा दे रही है तो काम करना आपको अच्छे से पड़ेगा, आप उस टाइम में मोबाइल चलाएंगे तो काम में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि ड्यूटी टाइम में मोबाइल यूज करना अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, ये हम आज थोड़ा रेस्ट था मेरा तो मैं इधर थोड़ा घूमने चला आया हूँ। इधर इसमें आने के बाद ये है कि आप घूम फिर सकते हैं रेस्ट टाइम में, ऑफ टाइम में। आपको दोस्तों बता दें कि हमारा इधर रेलवे में जो है कि जहाँ भी हम लर्निंग कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, उधर हमको 8 घंटे का ड्यूटी कराया जा रहा था, लर्निंग दिया जा रहा था, बहुत अच्छे से काजी प्रोजेक्शन पे हमको सिखाया गया। लेकिन वहाँ से अभी 100 किलोमीटर के आसपास हमको भेज दिया गया है दूर, हमारे घर की तरफ रास्ते में, इधर से हमको घर जाने में भी आसानी रहेगा। तो इधर क्या है कि हम लोग को छोटा स्टेशन मिला है जो कि ओनली ऑल राइट एक्सचेंज हम लोग को करना पड़ता है, ट्रेन को झंडा दिखाना पड़ता है, जो कि एक आसान काम है। इसलिए हम लोग को 12 घंटे का ड्यूटी इधर लगाया जा रहा है। और इधर हम लोग को क्या है कि थोड़ा अब यहाँ से शहर जो है कि 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, सब्जी वब्जी थोड़ा नहीं मिल पाता है यहाँ पे, तो हम लोग को जैसे कि 3 दिन ड्यूटी करा के 1 दिन रेस्ट दे दिया जाता है, फिर 2 दिन ड्यूटी करा के 1 दिन ऑफ दे दिया जाता है। तो उस टाइम में हम लोग चले जाते हैं मार्केट, सब्जी वब्जी, दाल हो गया, चावल हो गया, आटा, ये सब सामान 2 दिन पे 3 दिन पे शहर से ला लेते हैं। इधर से आगे भी 10 किलोमीटर शहर है, पीछे भी 10 किलोमीटर शहर है, और ये हम लोग का स्टेशन जो है कि छोटा सा बीच में बना हुआ है। तो दोस्तों बता दें कि रेलवे में आने के बाद ठीक है, अच्छा है, पैसा आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे आगे बढ़ने का मौका थोड़ा मिल जाएगा हम लोग को, 2 साल 3 साल बाद LDC GDC का एग्ज़ाम हम लोग दे के, GDC तो मान लीजिए अभी हम लोग भर सकते हैं, लेकिन LDC का एग्ज़ाम जो कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लिए एक अच्छा वरदान साबित होता है, LDC का एग्ज़ाम 3 साल के बाद देने के बाद प्रमोशन अच्छा हो जाएगा, जिससे और ऊँचे पद पर चले जाएँगे रेलवे में ही। और अब इधर क्या है, अब हम लोग सोचेंगे कि थोड़ा स्टेट वाला एग्ज़ाम के बारे में प्रिपरेशन करें तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि रेलवे में आने के बाद आदमी रेलवे में ही अच्छा से आगे बढ़ सकता है। अब क्योंकि उतना टाइम भी नहीं मिल पाता है ड्यूटी करने के बाद पढ़ाई करने का, 2 से 3 घंटा मान लीजिए टाइम आदमी निकाल पाता है पढ़ाई करने का, तो वो भी ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम स्टेट एग्ज़ाम को थोड़ा टफ पड़ेगा। लेकिन अब रेलवे में आगे बढ़ने का मौका अच्छा हम लोग को मिल जाएगा, ग्रुप डी में होने के बावजूद भी हम लोग अब ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए लेवल तक पहुंच सकते हैं, जिससे रेलवे का मतलब पेंशन भी तनख्वाह भी अच्छा मिलेगा। अभी तो मान लीजिए तनख्वाह थोड़ा कम है, तो अच्छा है रेलवे में आने के बाद, जो भी है गांव घर में जाने के बाद मान सम्मान भी मिलता है, अच्छा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए आज इधर आए थे थोड़ा वीडियो बनाने के लिए, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, इधर गिट्टी उट्टी का खुदाई चलता है जो कि मशीनों के द्वारा ये सब पहाड़ को तोड़ा जाता है। चलिए ठीक है फिर दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।